मैं अग्निमोहन सिंह हूँ और पिछले 27 वर्षों से हम डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी विकास कर सकते हैं। और आज हम लगभग 2000 गांवों में काम कर रहे हैं, 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का मध्य प्रदेश के हर हिस्से में ये परेशानी है। नरवर ब्लॉक और करेरा ब्लॉक के लगभग 12-13 गांव ऐसे हैं जो फ्लोराइड अफेक्टेड है। कैसे हम लोगों के दुख दर्द को हम दूर कर सकते हैं जो लंगड़ा के चलते हैं, उसके लिए हम लोगों ने 5 गांव में फ्लोराइड रिमूवल यूनिट और आरओ प्लांट लगाए हैं जो सफलतापूर्वक चल रहे हैं। कई सारे जो वृद्ध पुरुष हैं, महिलाएँ हैं, वो कहती हैं कि हमारे गुणवत्ता में जब से पानी में सुधार हुआ है हमारे शरीर पर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। हमारे हाथ पैर में दर्द होता था, हमारे घरवाली वहाँ से पानी भर के लाती थी, तो ये घुटने में दर्द होते थे, अब वो नहीं होते थे कि वहाँ से कुआ से पानी नहीं लाना पड़ता एक, और इसे पीने से हमको बहुत फायदा मिले। अब बाग पानी भर के ले आते, वो गंद पानी होगा चौमासे में, भाई हमने बंद कर दिया, अब जो आर ओ को पानी पी रहे सो अब हमें आराम है। जहाँ एक ही गाँव में हमारा जो फ्लोराइड युक्त पानी है 2.5 मिलीग्राम प्रति लीटर था, लेकिन उसी गांव में हमने देखा कि अल्टरनेटिव सोर्स भी उपलब्ध है, तो वहां से हमने पाइप वाटर सप्लाई स्कीम किया। तो आपको 24 घंटे पानी उपलब्ध है, 40,000 लीटर का टैंक है, ताकि कम लागत में अधिक से अधिक लोगों तक हम कैसे पहुंच सके। जो वाटर सोर्स है, क्योंकि गांव जो है थोड़ी ऊंचाई पे बसे रहते हैं, ऐसे जगह पे जहां पे पत्थर होते हैं, और वहां ड्रिंकिंग वाटर सोर्स उपलब्ध होता नहीं है, तो कई सारे गर्मियों के दिनों में महिलाओं को कभी कभी 1-2 किलोमीटर दूर से पानी भर के ले आना पड़ता है। और महिलाओं को आप सोचें कि 40 लीटर सर पे पानी ले आना, और कई एक घर में अगर 5 लोग हैं तो लगभग 250 लीटर पानी ले आना पड़ेगा, मतलब कि 10 बार आपको इधर उधर से जहाँ वाटर सोर्स है वहाँ से आना और वहाँ जाना, फिर वहाँ पे एक ही अगर वाटर सोर्स है तो गांव में बहुत सारे घर हैं तो लाइन लगती है, लाइन लगती है तो उनका समय जाता है। पूरे घर का पानी कभी मैं अकेले लाती थी, कभी मेरी सासू माँ और कभी मेरी जेठानी भी साथ में। 1 किलोमीटर दूर पानी था, इसलिए पानी भरने जाते थे, 3-4 बेर भरने जाते थे जब पानी हो पाता था घर को, इसीलिए टाइम हो जाता है, स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब मैं इधर आई थी तो पानी कुएं से भरती थी, सिर पर रख कर लाती थी, कभी भरा भी नहीं था, फिर भी सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। लेकिन अब पानी तो लेके आना है ना, डर लगे या जो भी हो। आपका मोतीपुरा है, कुमारपुरा है, सापनझोरा है, धोबीपुरा है, मोगावली है, धामना है, और अभी एक गांव, तो 7 गांव में हमने SDB फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ ये पाइप वाटर सप्लाई स्कीम किया है। अब मानो टाइम से पानी आ जाता है तो पढ़ने भी चले जाते, हमारे भाई बहन चले जाते। हमारे गांव में सबके घरों में पानी आता है नल से, और हमारे घर में भी आता है, और फिर अभी और अच्छी व्यवस्थाएँ हो गई हैं आपकी कृपा से, तो बस काफ़ी नल लग गए हैं। जो हमारे पास जो समय बचता है तो हम वो भी समय में और भी कुछ काम कर सकते हैं। पानी नहीं होता जो समझो कुछ काम नहीं हो सकता था। साथ में एक चीज और देखने वाली होती है कि जहाँ पानी होता है वहाँ गंदगी भी होती है, उसके लिए हम लोगों ने गांव का सुंदरीकरण के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए हैं, हमने सोक पिट्स बनाए हैं, हमने पंचायत के साथ अनुबंध करके उनसे वार्ता करके नालियाँ बनाई हैं ताकि गाँव में सैनिटरी कंडीशन इम्प्रूव हो सके। दूसरा अलावा हमारे यहाँ पे दिक्कत होती है कि जो वाटर सोर्स है वो कभी कभी चलते चलते वो सूख जाता है, तो उसके सोर्स सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म पॉन्ड्स और वाटर कंजर्वेशन मेजर्स किए हैं ताकि हमारा सोर्स रिचार्ज होता रहे। और उसका मकसद ये है कि अगर किसान के पास बंजर जमीन उपलब्ध है और वहाँ से कोई डिप्रेशन आ रहा है तो खेत तालाब जहाँ पर बिल्कुल खेती नहीं होती वहाँ पे अगर हम पानी को स्टोर करें तो एक खेत तालाब जो हमने बनाया है 35 मीटर x 30 मीटर x 3.5 मीटर गहरा किया है और उसमें हम 22 लाख लीटर तक पानी बचा सकते हैं। कुएं में 1 घंटा मोटर चलती थी, आज 2-2.5 घंटा मोटर चलती है, काफ़ी असर, डबल असर पड़ा है सर। 10 फुट ऊपर है लेवल। सब्जी में लहसुन, प्याज, मेथी, धनिया, हल्दी भी ये सब लगाते हैं सर। तो हम लोगों ने 4 तालाब बनाए, उससे 200 एकड़ जमीन सिंचित होती है और 33 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा होता है। इन चारों संरचनाओं से लगभग 1 अरब लीटर पानी हम संरक्षित कर रहे हैं। तो जहाँ पे बिल्कुल ही उसकी बंजर जमीन थी, आजीविका के विकास के लिए, उसको खाने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए,
ये खेत तालाब बहुत ही उपयोगी है। और दूसरा, जब पानी उपलब्ध होगा तो उसमें चिड़िया भी आएंगी, उसमें तितलियाँ भी आएंगी, मधुमक्खियाँ भी आएंगी, उसमें जो गाय हैं उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है तो उनको भी मिलता है। और इसके लिए मैं SDB फाइनेंशियल सर्विसेज मुंबई का बहुत बहुत आभारी हैं। हम अपने पूरे गांव की तरफ से और संस्था की तरफ से हम उनको धन्यवाद बोलते हैं। आप जाके देखें कि जहाँ बंजर ज़मीन थी आज खेती हो रही है, फसलें लहला रही हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, उस काम को देख के बहुत ही खुशी होती है। और जब कोई कहता है कि आपने अच्छा करो तो मन प्रफुल्लित होता है और बहुत खुशी होती है। और वही खुशी एक इंस्पिरेशन का काम करती है कि आप जो आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है और इस यात्रा को अनवरत जारी रखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी नहीं है तो कोई जिंदगानी नहीं है।